जमीन के नीचे से जुड़ेंगे बिहार और पटना म्यूजियम। एसी और कई सुविधाओं से लैस होगी सुरंग। घूमने में होगी पर्यटकों को सहूलियत। पटना में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिहार संग्रहालय को शहर के पुराने पटना म्यूजियम से जोड़ने की कवायद चल रही है। सरकार दोनों संग्रहालयों को एक साथ मिलाने की तैयारी में लगी है। इससे बिहार म्यूजियम आने वाले पर्यटक अब आसानी से पटना म्यूजियम भी घूम पाएंगे। इसके लिए बेली रोड से बुद्ध मार्ग तक भूमिगत रास्ता बनाया जाएगा। सुरंग के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियरों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 98 करोड़ की लागत आएगी। बेली रोड के नीचे से गुजरेगी सुरंग। 1400 मीटर लंबा रहेगा अंडरग्राउंड रास्ता। दीवारों पर लोक कलाओं का होगा प्रदर्शन। सुरंग में बैठने की भी रहेगी व्यवस्था। बिहार म्यूजियम से पटना संग्रहालय जाने के लिए बेली रोड के नीचे नीचे सुरंग बनाई जाएगी, जो पटना वुमेन्स कॉलेज आयकर गोलंबर होते हुए तारामंडल के सामने विद्यापति मार्ग की ओर घूम जाएगी और पटना म्यूजियम परिसर में निकलेगी। यह रास्ता वातानुकूलित होगा, जो 2 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा होगा। दोनों म्यूजियम के बीच 1400 मीटर लंबी सुरंग बनेगी। इसमें 700 मीटर की दूरी ट्रैवलर तथा 700 मीटर की दूरी पैदल चलकर पूरी करनी होगी। सुरंग के दोनों तरफ की दीवारों पर लोक कलाएं प्रदर्शित की जाएंगी, साथ ही बिहार से जुड़े दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी रहेगी। बहरहाल अभी विभागीय अभियंताओं की टीम इसके निर्माण की तकनीक, भूकंप रोधी रास्ते सहित कई बिंदुओं पर रिसर्च कर रही है। अगर यह परिकल्पना साकार हो गई तो यहां घूमने आए दर्शकों को काफी सहूलियत मिलेगी। पटना से लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।